गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस वीडियो इज फॉर क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इज मैथ्स, चैप्टर नंबर फाइव दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग ऑन। चैप्टर नंबर फाइव चल रहा था बेटा हमारा, एंड वी हैव डन टिल एक्सरसाइज 5.9 इन दिस चैप्टर। ओके, 5.8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.9। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 66। अपनी अपनी बुक्स ओपन करेंगे और पेज नंबर 66 पे आएंगे बेटा। टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 66। ओके, पेज नंबर 66 सब ओपन कर लीजिए बेटा। हैव यू ओपन? सबने ओपन कर ली। ओके, नाउ पेज नंबर 66 वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है बेटा, इसलिए पहले थोड़ा हम अच्छे से रीड करेंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रचेल हैज 9 पैकेट्स ऑफ स्टिकर्स। रचेल के पास कितने पैकेट्स ऑफ स्टिकर्स हैं? 9 पैकेट्स। ओके, 9 पैकेट्स हैं विथ स्टिकर, विथ 125 स्टिकर इन ईच। नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं? 9। और एक पैकेट में कितने आते हैं स्टिकर्स? 125। हाउ मैनी स्टिकर्स डज शी हैव ऑल टुगेदर? हाउ मैनी स्टिकर्स डज शी हैव ऑल टुगेदर? तो हम पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर वन, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टिकर्स। नंबर ऑफ स्टिकर्स नंबर ऑफ स्टिकर्स इन अ पैकेट। एक पैकेट में कितने स्टिकर आते हैं बेटा? 125। एक पैकेट में कितने स्टिकर आते हैं? 125। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स इक्वल्स टू 9। कितने पैकेट हैं? 9। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स इन 9 पैकेट्स। वन पैकेट था इन 9 पैकेट्स इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाई बाय 9। 125 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, जब भी मैंने आपको बोला था ना, वन आपको वन की क्वांटिटी दी हुई है, और हाँ मतलब ज़्यादा की क्वांटिटी पूछता है, एक की क्वांटिटी देके मोर की क्वांटिटी पूछता है, वन की क्वांटिटी देके मोर की क्वांटिटी पूछता है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और डिवीज़न में अपोजिट होता है, आपको ज़्यादा की क्वांटिटी देगा और वन की पूछेगा। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो अभी हमारे लिए इतना ही है कि जब भी हमारे पास एक चीज़ की क्वांटिटी दी हुई है, एक चीज़ की क्वांटिटी दी हुई है और उसी सेम कैटेगरी की ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटी पूछ रहा है, नंबर ऑफ मैनी मोर क्वांटिटी वी वर आस्क, हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सीधा सा मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 45। ओके, 4 कैरी फॉरवर्ड। एंड देखो, सीधे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सीधे आपको भी आना चाहिए। पहले सबसे पहले वंस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 45, 4 कैरी फॉरवर्ड। 9 2 18 18 प्लस 4 22। क्लियर? 9 1 9 प्लस 2 11। ओके, सो आंसर इज 1125 स्टिकर्स। क्या है बेटा ये? स्टिकर्स, नंबर ऑफ स्टिकर्स ही पूछा गया था हमसे, तो नंबर ऑफ स्टिकर्स कितने आ गए? 1125। अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लीजिए।
ओके बेटा, हैव यू डन? ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टू. ओके, क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू इज हारिति एंड नोनी ज्वाइन स्विमिंग क्लासेस ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन फॉर अ मंथ. हारिति और नोनी ने क्या किया, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की. उनके समर वेकेशन थे बेटा, तो उन्होंने क्या किया, वन मंथ के लिए समर स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली. द फीस फॉर स्विमिंग क्लासेस इज रुपीज 1350 पर पर्सन फॉर वन मंथ. एक पर्सन के लिए, एक मंथ के लिए कितनी फीस लगती है स्विमिंग क्लासेस में, 1350. दे गिव रुपीज 3000 फॉर टू द इंस्ट्रक्टर. उन्होंने कितने रुपीज दिए, 3000 दिए. हाउ मच मनी शुड दे गेट बैक. फिर उनको वापस रिटर्न कितनी हुई, क्योंकि 3000 तो पूरी नहीं लगी होगी ना. अब कितनी लगी होगी, कितनी लगी नहीं लगी होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ स्विमिंग. कॉस्ट ऑफ स्विमिंग कितने पैसे लगते हैं, कॉस्ट ऑफ स्विमिंग फॉर वन पर्सन. फॉर वन पर्सन, एक पर्सन के लिए कितनी फीस है उसकी, रुपीज 1350. रुपीज 1350 एक पर्सन के लिए. अब हम चेक करेंगे कॉस्ट ऑफ स्विमिंग. कॉस्ट ऑफ स्विमिंग फॉर टू पर्सन्स, दोनों दो थी ना, हारिति एंड नोनी टू पर्सन्स हैं, तो टू पर्सन्स ही निकालेंगे. ओके, टू पर्सन्स इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, वन की क्वांटिटी है, वन का जितनी कॉस्ट है उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे. जितनी हमारी वन की कॉस्ट है उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू की कॉस्ट निकल जाएगी. देखो मल्टीप्लाई करो, टू जीरो ज़ा ज़ीरो, टू फाइव ज़ा टेन. डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखो टू जीरो ज़ा ज़ीरो, टू फाइव ज़ा टेन, वन कैरी फॉरवर्ड, टू सिक्स ज़ा, टू थ्री ज़ा सिक्स, प्लस वन सेवन, एंड टू वन ज़ा टू. तो कितनी रुपीज़ देने, टोटल कॉस्ट कितनी आई टू पर्सन की, रुपीज़ 2700. रुपीज़ 2700. ओके, कितनी आई, रुपीज़ 2700. दोनों की इतनी फीस लगेगी, लेकिन हम चेक करेंगे मनी दे हैड गिवन. मनी दे हैड गिवन, उन्होंने कितने पैसे दे दिए थे बेटा, 3000 रुपीज़ पे कर दिए थे, तो हम लिखेंगे रुपीज़ 3000. उन्होंने कितने रुपीस दे दिए थे बेटा, 3000 पे कर दिए थे. यहाँ तक तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वैसा किया, इसमें बस एक लाइन ही तो एक्स्ट्रा है. पहले हम चेक करेंगे कितने रुपीस दे दिए थे उन्होंने, 3000 रुपीस पे कर दिए थे. अब हम निकालेंगे मनी दे गेट बैक. सो मनी दे गेट बैक, इसलिए उनके पास कितनी रुपीस बचे, तो हम क्या करेंगे, जितना उन्होंने दिया इसमें से क्या करेंगे, जितने उनकी फीस लगी उसको लेस कर देंगे. मतलब हम ऐसे ही तो करते हैं, हम दुकानदार को पैसे देते हैं, वो अपना जितना हमारा सामान आया उसके पैसे कट कर लेता है और बाकी पैसे हमें रिटर्न कर देता है. तो उन्होंने 3000 दे दिए, ठीक है, तो 3000 में से उनकी फीस तो 2700 ही थी, तो रिमेनिंग उनको वापस मिल जाएंगे. ओके, सो 3000 माइनस 2700, 3000 माइनस 2700 लेस कर देंगे, तो लेस कर दो बेटा, 3000 माइनस 2700, देखो 000 एज इट इज आ गए. अब देखो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 0, 7 को हम 0 में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो 1 बोरो करेंगे. ओके, इट बिकम 10,
10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आएगा 3 और यहाँ 0. ओके इट मीन्स आंसर इज रुपीज़ 300 उनको वापस रिटर्न हो जाएंगे. राइट डाउन इन योर नोटबुक, अपनी अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए बेटा. Have you done? Okay, बेटा हो गया आप सबका. ओके क्वेश्चन नंबर 3 करें. देखो बेटा आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़े थोड़े से टफ होंगे. थोड़े से टफ है ना, लेंथी क्वेश्चन है. कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे. मैम आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करवाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे. आज हम 4 क्वेश्चन ही करेंगे. ओके बेटा, फिर बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर इज 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है. अ स्कूल हैज 2146 स्टूडेंट्स. एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 2146. देयर आर 14 स्कूल बसेस. उनके पास स्कूल बसेस कितनी है? 14. इफ 85 स्टूडेंट्स ट्रेवल इन ईच बस. एक बस में कितने बच्चे ट्रेवल करते हैं? 85. हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब देखो 85 बच्चे एक बस में आते हैं, ठीक है, और उनके पास टोटल कितनी बसेज है? 14. तो 14 को हम पहले 85 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि टोटल कितने स्टूडेंट्स बस में आते हैं, बस से आते हैं, कितने स्टूडेंट बाय बस आते हैं. ओके, फिर हम चेक करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे ट्रेवल बाय बस उनको लेस कर देंगे. फिर हम चेक करेंगे जो रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं. ठीक है, पूरे तो बस से नहीं आते ना, टोटल तो नहीं आएंगे ना, तो जो बच जाएंगे ना बेटा वो अदर ट्रांसपोर्ट से स्कूल में आते हैं. तो करें स्टार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्कूल बसेस. नंबर ऑफ स्कूल बसेस कितनी बसेस है बेटा? 14. नंबर ऑफ स्कूल बसेस इक्वल्स टू 14. नंबर ऑफ स्टूडेंट या ऐसे लिख सकते हैं हम, ईच बस ऐसे ही लिख लो, ठीक है बेटा, ताकि आपको इजी रहेगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्स बाय अ बस. एक बस से कितने स्टूडेंट्स आते हैं बेटा? एक बस से 85 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अ बस कैरी नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू 85. वो वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, वो लिख लेते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट जितने छोटे उतने आप लोगों को समझ में आएंगे. तो हम ऐसे लिख देते हैं अ बस कैरी नंबर ऑफ स्टूडेंट. एक बस में कितने स्टूडेंट्स आते हैं? 85.
अ बस कैरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 85. ओके, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय 14 बसेस. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय 14 बसेस. 14 बसेस से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं? 14 मल्टीप्लाई बाय 85. क्या करेंगे हम? 14 को 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कर दे मल्टीप्लाई. चलो ठीक है, कर देते. 85 मल्टीप्लाई बाय 14. देखो डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है तो डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करेंगे. 4 5 20 2 कैरी फॉरवर्डेड. 4 8 32 32 प्लस 2 34 कैरी रेस कर दें. ओके, अब देखो टेंस प्लेस पे हम जीरो प्लेस करते हैं ना पहले, या तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगाओ, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जीरो प्लेस कर देंगे. ओके, 1 5 5 1 8 8 ऐड करो, 0 4 प्लस 5 9 8 प्लस 3 11. टोटल 14 बसेस से कितने बच्चे आते हैं बेटा? 1190. टोटल कितने बच्चे आते हैं 14 बसेस से? 1190. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ बेटा कम्स भी लिख लेना. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्स बाय 14 बसेस. ओके, कितना आया हमारा? 1190. अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेक करो. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है बेटा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है? 2146. ओके, और स्कूल्स में बस से कितने बच्चे आते हैं? 1190. तो हम क्या करेंगे, 2146 में से 1190 को लेस कर देंगे. ओके, सो अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय अदर ट्रांसपोर्ट्स. अदर ट्रांसपोर्ट से कितने बच्चे आते हैं? क्या करेंगे हम? 2146 माइनस 1190 में से 1190 को क्या करेंगे बेटा? लेस कर देंगे. ठीक है, तो देखो मैं सब्ट्रैक्शन यहाँ कर देती हूँ, वहाँ हम डायरेक्ट आंसर लेते हैं क्योंकि बोर्ड फेल होने वाला है. या तो फिर आप इससे उतार लीजिए, फिर हम उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं. इसे अपने नोटबुक में उतार लीजिए. राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके बेटा, इसका आंसर अभी रिमेनिंग है, वो हम आंसर बाद में करेंगे. पहले आप यहाँ तक अपनी नोटबुक में रिटर्न डाउन कर लीजिए. थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बेटा, लेकिन समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ऊपर वाला देखो, हमें पता है वन बस की दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 14 बसेस के हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाली. उसमें से देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में? 2146. उसमें से जितने हमारे स्कूल्स बस में बस से आते हैं बच्चे, उनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो जो रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, वो स्टूडेंट्स बाय अदर ट्रेन और ट्रांसपोर्ट से स्कूल में आते हैं. वो बस से नहीं आते बेटा, स्कूल बस से नहीं आते, वो अदर ट्रांसपोर्ट से आते हैं.
ओके करें हम सब्ट्रैक्शन हम चलो अब सब्ट्रैक्शन करते हैं हम टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स माइनस 1190 माइनस कर दो 6 4 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते सो वी विल बोरो 1 हमने 1 बोरो किया 14 माइनस यहाँ 0 बच गया 14 माइनस 9 5 956 आंसर इज 956 स्टूडेंट्स 956 स्टूडेंट्स हैं बेटा जो अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं ठीक है तो इसी के नीचे आप लिखेंगे यहाँ तक आपने लिखा उसके नीचे ये करेंगे ठीक है सब्ट्रैक्शन करके आपको इस क्वेश्चन को फिनिश करना है यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया उसके आगे का ही आंसर आंसर हमारा है 956 ओके बेटा नाउ एक और क्वेश्चन करेंगे आज उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके ज़्यादा मैंने कहा था ना आपसे मैं ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम फोर क्वेश्चन करते हैं ठीक है लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो ये पार्ट फर्स्ट हो गया आपका बेटा 5.9 का पार्ट फर्स्ट ओके आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सीमा बॉट 3 dozen चॉकलेट्स सीमा कितने dozen चॉकलेट लाई 3 dozen 4 dozen पैकेट्स ऑफ बिस्किट 4 dozen बिस्किट के पैकेट लाई 6 dozen कार्टून्स ऑफ मैंगो जूस 6 dozen कार्टून्स मैंगो जूस के भी लाई वो फॉर हर शॉप अपनी दुकान से लाई वो इफ़ 1 chocolate कॉस्ट ₹18 एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है 18 वन पैकेट ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट ₹22 एंड 1 carton ऑफ मैंगो जूस कॉस्ट ₹325 हाउ मच डिड सीमा पे इन ऑल अब देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है यहाँ तक आपने उतार लिया होगा ना तो इसको पूरा इरेज करके हम पूरा क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बेटा इसलिए अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन को पहले देखो कॉस्ट ऑफ चॉकलेट पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 chocolate कॉस्ट ऑफ 1 chocolate इक्वल्स टू ₹18 सीमा बॉट कितने लाई वो 3 dozen चॉकलेट लाई थी कितने लाई 3 dozen चॉकलेट ओके सीमा बॉट 3 dozen चॉकलेट तो देखो यहाँ लिख यहाँ ब्रैकेट पे लिख देंगे 1 dozen 1 dozen इक्वल्स टू 12 एक डजन में कितने होते हैं बेटा 12 नंबर होते हैं एक डजन में कितनी क्वांटिटी होती है 12 तो फिर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल्स टू देखो एक में 12 होते हैं तो 3 dozen में कितने होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 36 कितने हो गए बेटा 36 चॉकलेट्स ओके बेटा 36 चॉकलेट हो गए अब लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 36 चॉकलेट टोटल नहीं कॉस्ट ऑफ 36 चॉकलेट्स कॉस्ट ऑफ 36 चॉकलेट्स इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाय 18 एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है बेटा 18 तो 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो मल्टीप्लाई करो 36 मल्टीप्लाई बाय 18 ओके 36 मल्टीप्लाई बाय 18
8 6 48, 4 कैरी फॉरवर्ड 8, 24 प्लस 4 28 6 3, एक टोटल कॉस्ट कितनी आ गई चॉकलेट्स की रुपीस 8 14, 1 कैरी फॉरवर्ड 6 648, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई चॉकलेट्स की, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 648। ओके बेटा, इसी तरीके से हम बिस्किट्स की और मैंगो जूस की भी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको अपनी नोटबुक में रिटर्न डाउन करो जल्दी जल्दी से, फिर हम बिस्किट्स की और मैंगो जूस की भी कॉस्ट निकालेंगे। ओके बेटा, हैव यू डन, हो गया आपका। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, चॉकलेट की कॉस्ट मैं यहाँ लिख लेती हूँ, रुपीज 648 थी ना। ओके, देखो मैं साइड में लिख देती हूँ जिससे मुझे भी रन रहेगा कि कितनी थी, 648 थी चॉकलेट की कॉस्ट। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ बिस्किट, कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ बिस्किट। देखो कितनी कॉस्ट है, रुपीज 22। एक पैकेट ऑफ बिस्किट की कॉस्ट कितनी बेटा, रुपीज 22 लिखेंगे, रुपीज 22। क्लियर बेटा, रुपीज 22। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ डजन, नंबर ऑफ डजन ऑफ पैकेट्स, कितने डजन पैकेट्स लाई थी सीमा, कितने डजन पैकेट लाई थी बेटा, 4 डजन, कितने डजन पैकेट्स लाई थी, 4। तो हमने देखा एक डर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं ना बेटा, हमने पहले लिख दिया, बार बार लिखने की नीड नहीं है, आपने एक बार लिख दिया, दैट्स इट। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ बिस्किट पैकेट्स, या आप ऐसे लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स। ओके बेटा, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स 4 × 12। देखो मैंने यहाँ लिख देती हूँ मैं ब्रैकेट में, अगर आपको कन्फ्यूजन रहेगा ना, कन्फ्यूजन रहेगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 dozen = 12, 1 dozen = 12। ओके, इसलिए 4 dozen = 4 × 12, एक डर्जन में 12 होते हैं तो 4 में कितने होंगे, 4 × 12, 12 4 = 48, कितने हो गए बेटा, 48 पैकेट्स। ओके, अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ 48 पैकेट्स, कॉस्ट ऑफ 48 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, ओके, सो 48 × 12, एक ही कॉस्ट कितनी थी, 22, 48 × 22, तो 48 को 22 से मल्टीप्लाई कर लें, 16 1 9, ओके 9 6 9, ओके सेम आएगा। देखो मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप चाहें तो इसका अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं।
9, 6, 5, 1 carry forward 10 ₹1056 ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक में जल्दी जल्दी से रिटर्न डाउन कर लो, राइट डाउन कर लो बेटा इसे, जल्दी से अपनी नोटबुक से राइट डाउन कर लो, फिर हम मैंगो जूस की कॉस्ट निकालेंगे। जल्दी से उतार लेंगे, देन हमारा बस एक पार्ट और बच रहा है इस क्वेश्चन का, उस मैंगो जूस की कॉस्ट निकालनी है हमें। ओके इट्स डन बेटा, अगर आपको नहीं हो पाता है तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा करा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है। ओके बेटा, इसलिए आपको अगर आप नहीं उतार पाते तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके कर लेंगे। ओके तो देखो, अब पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, अब देखो मैंगो जूस का लिखना है हमें कॉस्ट ऑफ 1 कार्टून ऑफ मैंगो जूस, कॉस्ट ऑफ 1 कार्टून ऑफ मैंगो जूस। ओके बेटा, एक कार्टून की कितनी कॉस्ट है, ₹325, एक कार्टून की कितनी कॉस्ट है बेटा, ₹325। और नंबर ऑफ डजन ऑफ कार्टून्स, डजन ऑफ कार्टून्स, कितने कार्टून्स के डजन लाई थी सीमा, चेक करो, 6, कितने डजन्स लाई थी, 6 डजन्स लाई थी। ओके तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कार्टून्स इक्वल्स टू 6 × 12, एक डजन में 12 होते हैं तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 6 = 72 कार्टून्स। ओके बेटा, 72 कार्टून्स। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 72 कार्टून्स, कॉस्ट ऑफ 72 कार्टून्स इक्वल्स टू 72 × 325 मल्टीप्लाई करेंगे 325 × 72। ओके बेटा, 10, 1 carry forward 5, 6 7, 5 = 35 3 carry forward 7, 2 = 14 + 2 = 17 1 carry forward 7, 3 = 21 + 1 = 22 So answer is 23,400. So cost of total cartoons is 23,400. अब हम लिखेंगे total money सीमा paid, टोटल मनी सीमा ने कितनी पेड की, क्या करेंगे बेटा हम, तीनों कॉस्ट आई थी ना, देखो ये थी हमारी कॉस्ट चॉकलेट्स की, सो ₹648। ओके फिर हमारी बिस्किट्स की कॉस्ट थी ₹1056 और लास्ट में हमारी कॉस्ट आई ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड। इन तीनों को क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। देखो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, वहाँ हम यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं हम, आप लोगों को वैसे हॉरिजॉन्टल ऐड करने में प्रॉब्लम होगी ना बेटा, इसलिए मैं यहाँ आपके लिए ऐड कर देती हूँ। ओके तो देखो 14
वन कैरी फॉरवर्डेड टेन, वन कैरी फॉरवर्डेड इलेवन, वन कैरी फॉरवर्डेड फाइव टू, 25,104. आंसर इज रुपीज़ 25,104. ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का. बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना बेटा, तो इसलिए ये आपका आंसर है. अभी जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए. 25,104 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 25,104. ओके बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कर लिया. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 से हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. ओके, टिल देन स्टे सेफ.